किबूतु की ये धरती जहां से भारत की शुरुआत होती है और एक गांव भारत की शुरुआत का गांव। वो लड़ाई के अंदर भारतीय सेना के पास हथियार तो कम थे मगर वीरता समग्र विश्व की सेनाओं से सबसे भरपूर वीरता थी तो भारतीय जवानों में थी। और आज हम गर्व के साथ कहते हैं वो जमाने चले गए जब भारत की भूमि का कोई अतिक्रमण कर सकता था। सुई की नोक जितनी भूमि का भी अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता क्योंकि आईटीबीपी और भारतीय सेना यहां पर उपस्थित है। किबूतु की ये धरती जहां से भारत की शुरुआत होती है और एक गांव भारत की शुरुआत का गांव। प्रधानमंत्री जी ने पूरी बात को अलग तरीके से सम्मान के साथ रखा है। पहले जब मध्य भारत से कोई आता था तो कहता था कि मैं भारत के अंतिम गांव में जाकर आया और अब जब यहां जैसे मैं वापिस जाऊंगा मेरी पोती को बताऊंगा कि मैं भारत के पहले गांव में जाकर आया हूं। किबूतु में जो 62 की लड़ाई में हमारे 21 अक्टूबर 1962 को तत्कालीन कुमाऊ रेजिमेंट के 6 अधिकारियों ने यहां पर जो बहादुरी से लड़ाई लड़ी और जिस वीरता के कारण भारत की भूमि की रक्षा हो पाई, इस सभी को मन पूर्वक स्मरण कर श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। संख्या में तो वो छोटे थे, हथियारों में भी छोटे थे, मगर देश भर के और दुनिया भर के 1963 में टाइम मैगजीन में भी लिखा कि जो किबूतु में लड़ाई हुई वो लड़ाई के अंदर भारतीय सेना के पास हथियार तो कम थे मगर वीरता समग्र विश्व की सेनाओं से सबसे भरपूर वीरता थी तो भारतीय जवानों में थी। और मित्रों आज पूरा देश निश्चिंत होकर सो रहा है, चाहे हमारी किसी भी सीमा हो, अरुणाचल का प्रदेश हो, लद्दाख का प्रदेश हो, कश्मीर हो या कोई भी प्रदेश हो, हम निश्चिंत होकर देश के मध्य भाग में देश के उत्तरी भाग में सो रहे हैं। इसका कारण हमारे हिमवीर आईटीबीपी के जवान और हमारी थल सेना का पराक्रम और उनका त्याग और बलिदान है। उन्हीं के कारण कोई भी हमारी सीमा पर आंख उठाकर देख नहीं सकता। और आज हम गर्व के साथ कहते हैं वो जमाने चले गए जब भारत की भूमि का कोई अतिक्रमण कर सकता था। आई सौ की सुई की नोक जितनी भूमि का भी अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता क्योंकि आईटीबीपी और भारतीय सेना यहां पर उपस्थित है। यहां पर 13,000 फुट की ऊंचाई पर कठिनाई के साथ अपने युवानी को बिताते हुए अपने परिवार से दूर, बूढ़े माँ बाप और छोटे बच्चों के से दूर रहकर देश की सेवा कर रहे वो सभी जवानों के त्याग, बलिदान, शौर्य और उत्साह को और देशभक्ति को मैं दो हाथ जोड़कर प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूँ। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।